पासवान समाज के आज 10 वर्ष पहले से 7% की आबादी थी, उसको आपने घर बैठ करके 5.31% आबादी कर दिया। इसलिए कि पासवान समाज के लोग महागठबंधन को वोट नहीं देते। खास जातियों को सर अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने की मांग की गई है, ये सवाल आपसे बनता है सर। किसने मांग की? पासवान ने मांग की है। कौन क्या बोलता है मैं नहीं जानता, वो राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर कोई बोला होगा। यदि दूसरे जाति को दलित करना है तो इतनी हमको उस आबादी के हिसाब से हमको आरक्षण में सुविधा दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, में हूं आपके साथ असलम अब्बास। नवरात का मौसम चल रहा है, नवरात का मौका है और आम से लेकर खास तक लोग माँ दुर्गा के आशीर्वाद लेने के लिए पंडालों में पहुंच रहे हैं। इसी बीच रालोचपा सुप्रीमो यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस भी पटना के डाकबंगला चौराहा पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की है और माँ से आशीर्वाद लिया है। इस मौके पर उनके साथ सांसद प्रिंस राज भी मौजूद रहे, इसके अलावा पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आप वीडियो तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरीके से पशुपति कुमार पारस पूजा कर रहे हैं, उसके बाद पूजा करने के बाद आशीर्वाद भी उन्होंने लिया है। इस मौके पर पूजा करने के पश्चात उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार में हुए जातीय गणना जिसको सर्वे के रूप में उन्होंने कहा है और कहा है कि इसमें हमारी जाति यानी कि SC और ST को काफ़ी कम करके दिखाया गया। उन्होंने इसके अलावा दावा भी किया है कि मेरा गांव पटना है और शहर बन्नी दोनों जगह में कहीं पर हम लोग से भी कोई जानकारी नहीं ली गई है। आप सुनिए पूजा के बाद कितना कुछ पशुपति कुमार पारस बोल रहे हैं। देश में पूरे बिहार में पूरे परिवार के लिए माँ दुर्गे से मैंने आशीर्वाद मांगा है और आशीर्वाद मुझको मिला भी है। जहाँ तक राजनीतिक चर्चाएँ का सवाल है, जैसा कि आप लोगों ने कहा है कि चिराग पासवान जी का बयान आया है कि कुछ जातियों को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में जोड़ा जाए, जब आपने सर्वे कराया वैसे ही सर्वे को गलत है, सर्वे को हम लोग सही नहीं मानते हैं। ये घर में बैठ के सचिवालय में बैठ के सर्वे कराया गया है और ख़ास करके हमारे जाति जिस जाति से मैं आता हूँ पासवान समाज का, पासवान समाज के आज 10 वर्ष पहले से 7% की आबादी थी, उसको आपने घर बैठ करके 5.31% आबादी कर दिया। इसलिए कि पासवान समाज के लोग महागठबंधन को वोट नहीं देते, ठीक ना। फिर भी जो आपका सर्वे है, सर्वे के मुताबिक 20% तकरीबन दलित है और दोनों मिला के आदिवासी और शेड्यूल कास्ट मिला के 22%। हमारा बिहार सरकार से मांग है कि आप अपने सर्वे के मुताबिक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को आप आरक्षण मुहैया कराए। सवाल खास जातियों को सर अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने की मांग की गई है, ये सवाल आपसे बनता है। किसने चिराग पासवान ने मांग की है? मैंने तो न्यूज नहीं सुना है। यदि चिराग पासवान ने आज टॉपिक यही रखी है आज कदम जाति में और लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार में जो सर्वे हुआ जिसको आप लोग जनगणना कहते हैं, ये जनगणना नहीं है, जातीय सर्वे है। सर्वे के मुताबिक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी बिहार में वैसे घटा के किया गया है, मैं सर्वे को नहीं मानता। फिर भी बिहार सरकार के सर्वे के मुताबिक भी तकरीबन 22% आबादी है बिहार में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को, उसमें दलित कहिए महादलित कहिए ट्राइब्स कहिए जो भी कहिए। तो हमारा बिहार सरकार से ये डिमांड है कि तुम आप आबादी के आधार पर जब आप जनगणना कराए हो सर्वे कराए हो तो जिस जात की जितनी आबादी है उसके आधार पर आप उस जात को आरक्षण दीजिए। कौन क्या बोलता है मैं नहीं जानता, वो राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर कोई बोला होगा। यदि दूसरे जाति को दलित करना है तो उतनी हमको उस आबादी के हिसाब से हमको आरक्षण में सुविधा दे। जैसे आज मान लीजिए कि हमारा 22% है और दूसरे समाज के लोग यदि दलित बनाना चाहते हैं या आदिवासी बनाना चाहते हैं तो उनकी जो संख्या है उस संख्या के आधार पर दलित और आदिवासी की संख्या बढ़ाया जाए तब मैं मानूं। तो अभी आपने पशुपति कुमार पारस को सुना है और किस तरीके से बोल रहे थे, उनका साफ साफ कहना था कि अब मौजूदा समय में जो बिहार की सरकार है वो पूरी तरीके से ड्रिल हो चुके है, पूरी तरीके से फेल है। जातीय गणना के बहाने जिस तरीके से आंकड़े बताए गए उसी आंकड़े के आधार पर हम लोगों को अपना हक और अधिकार दे देना चाहिए। वो अब दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोग मौजूदा समय के जातीय आंकड़े के हिसाब से 20-22% है, उतने ही हिस्सेदारी भी हम लोग को मिल जानी चाहिए, जैसा कि आपने खुद सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं पशुपति कुमार पारस के इस दावे के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर पहुंचाइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आपका धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।